अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया। बता दें कि इस रसोई में 1,00,000 विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की क्षमता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा अक्षय पात्र रसोई पर उद्घाटन किए जाने पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा कि सपा के समय छात्रों को पौष्टिक व गर्म आहार के लिए शुरू की गई अक्षय पात्र योजना को भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में बंद कर रखा था, मगर भाजपा के खिलाफ छात्रों तथा युवाओं का आक्रोश से डरकर सरकार अब मजबूरन इसे शुरू कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सपा सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी 11 जगहों पर योजनाओं को फिर से शुरू किया जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं 41 मंत्रियों के बगावत के बाद अपने ही पार्टी में गिरे थे बोरिस जॉनसन। आपको बता दें, पार्टी में बगावत होने के बाद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, यानी अक्टूबर तक। बता दें कि बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर संकट वित्त मंत्री कृषि सुनक के इस्तीफे से शुरू हुआ था। उन्होंने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनके कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने भी इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, 2 दिन में अब तक 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें 40 अधिकारियों ने बोरिस जॉनसन के विरोध में इस्तीफा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ शादी की है। ये शादी चंडीगढ़ के सीएम आवास में हुई है, जहां पर दोनों ने फेरे लिए और अरविंद केजरीवाल ने पिता की तो राघव चड्ढा ने भाई की यहां पर रस्में निभाई हैं। मान और गुरप्रीत के परिवार के अलावा केजरीवाल का भी परिवार शामिल हुआ और उसके साथ ही कुछ कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर शामिल हुए। इस समय सीएम आवास के बाहर की आप चहल पहल देख सकते हैं कि पूरी सिक्योरिटी यहां पर मौजूद है और काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। जो रस्में हैं वो सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो कि करीब 1 बजे के आसपास सारी की सारी रस्में जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। दोनों ही शादी के बंधन में बन चुके हैं और थोड़ी ही देर अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोनों अब शादी के बंधन में बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों का नाम दिया है और खास बात यह है कि ये चारों ही सदस्य दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। इसमें खेल से लेकर फिल्म तक के लोगों का नाम शामिल है। दरअसल इसमें खेल प्रेमी पीटी उषा, इलैया राजा और आध्यात्मिक गुरु वीरेंद्र हेगड़े के साथ पटकथा लेखक एवं निर्देशक वी विजेंद्र का नाम शामिल है। दरअसल बात करें तो इन चारों का ही संबंध दक्षिण भारत से है और हाल ही में तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक भी की थी। अब इसको लेकर ये देखा जा रहा है कि राज्यसभा को लेकर बीजेपी ने अपना साउथ कार्ड खेला है, यानी कि वो चाहती है कि साउथ में भी उसकी पकड़ मजबूत हो, क्योंकि अब हाल ही में अगले साल तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक में भी कई तरह की मुद्दों पर चर्चा हुआ था। अब देखना ये होगा कि राज्यसभा को लेकर आखिरी कार्ड कितना सटीक बैठता है। लगातार अवैध रूप से कॉलोनियों में विस्तार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते करनाल के अंदर आज डीटीपी द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करनाल के अंदर कई ऐसी कॉलोनियां थी जो अवैध रूप से विकसित हो रही थी, जहां पर करनाल के डीटीपी आरएस बाट द्वारा जो आज करनाल के अंदर पीला पंजा चलाया गया। वहीं जिस तरीके से आरएस बाट का कहना है कि आने वाले समय में ऐसी जो अवैध रूप से जो कॉलोनियां हैं विकसित हो रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए ये पीला पंजा चलाया गया। कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि किस तरीके से जो करनाल के जो नव डीटीपी हैं वो किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, वो आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी। जिस तरीके से बात की जाए, जब हमारी बात करनाल के डीटीपी से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो अवैध रूप से जो कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर पर कहीं ना कहीं एफआईआर लॉन्च कराएंगे, उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। वो भी देखने वाला विषय रहेगा कि आने वाले समय क्या कुछ करनाल के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुग्राम से सोना जाने वाले लोगों का सफर अब सुहाना हो जाएगा। हरियाणा का पहला एलिवेटेड फ्लाईओवर जो कि 11 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। 23 किलोमीटर का जो है ये पूरा फ्लाईओवर बनाया गया है और 2000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। ऐसे में कोविड आने के कारण जो है इसमें देरी हो गई, जो कि 2021 में इसको स्टार्ट कर दिया जाना था, लेकिन अब ये 2022 में इसकी
शुरुआत की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना के मामलों में जो है कमी आएगी और कहीं ना कहीं लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आज इंद्री के BDPO कार्यालय के सभागार में गरीब उत्थान के लिए अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। यह मेला पहले भी लगाया गया था और अब पुनः लगाया गया है। इस मेले का उद्देश्य यह है कि जो गरीब व्यक्ति है उसका किस प्रकार से उत्थान किया जाए ताकि वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके अपना कोई भी व्यवसाय वो कर सकता है, इसी मेले का यह ध्येय है। इस मेले के आयोजन पर आज इंद्री के SDM डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेश दिए कि जो भी व्यक्ति इस मेले में आता है उसको पूरी सही जानकारी दी जा सके ताकि वह अंत्योदय, इसका नाम इसलिए दिया गया है ताकि अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सके। और इसमें लगभग 18 विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए हुए थे, जिन्होंने बारीकी से जो भी व्यक्ति इसमें आया उसको अपनी जो भी सरकार की योजनाएं थी उनका पूर्णतः उनको जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से माया नगरी मुंबई तक मानसून झमाझम बरस रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दो दिनों से देश के 20 से ज्यादा राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। पिछले दो दिनों से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है। इससे पहाड़ी राज्यों में कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड के हादसे भी हुए। हिमाचल के कुल्लू और शिमला में बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता है। वहीं राजस्थान में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया। वहीं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लैंडस्लाइड होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। बात करें भोपाल की तो वहां भी सुबह से बारिश हो रही है। ग्वालियर चंबल में उमस और गर्मी के बीच झमाझम बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली भी गिरी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल है। मुंबई के अधिकांश हिस्सों में बुधवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है। प्रतापगढ़ के पास रात भर बारिश हुई। बारिश के बाद लैंडस्लाइड भी बहुत ज्यादा हुआ। हालांकि यूपी में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। बीते 24 घंटे में महज झांसी, मेरठ और वाराणसी में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने 9 और 10 जुलाई को तेज बारिश की संभावनाएं जताई हैं। बारिश ने कई जगह राहत दी है तो बारिश कई जगह तबाही बनकर भी बरसी है, जिसके चलते जान और माल दोनों की हानि हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में लगातार बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने नई स्कीम चलाई है। स्कीम का नाम बुनियादी स्कीम कहा गया है। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश भर में 51 सेंटर खोले जा रहे हैं और 3,000 बच्चे इसके अंदर दाखिला लेंगे। आपको बता दें, इसका रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस माह में रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद किशोर वैज्ञानिकों की तर्ज पर इन्हें शिक्षा दी जाएगी, इनको मजबूत किया जाएगा ताकि आने वाले समय में ये अपनी शिक्षा ग्रहण करके उस स्थानों पर जा सकें और देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड का कनेक्शन अब बिहार के भागलपुर जिले से जुड़ गया है। इस मामले में NIA ने भागलपुर के माछीपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी को मंगलवार को हैदराबाद के संतोष नगर में पकड़कर हिरासत में लिया और पूछताछ की। उसे 14 जुलाई को जयपुर में पुलिस अधीक्षक NIA के सामने पेश होने को कहा गया है। इसको लेकर उसे एक नोटिस भी जारी किया गया है। मुनव्वर अशरफी हैदराबाद में रहकर लोगों को धर्म की शिक्षा देता है, वो ऑनलाइन क्लास भी चलाता है। आरोप है कि कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े एक संदिग्ध ने मुनव्वर अशरफी को फोन किया था। हालांकि NIA ने मुनव्वर अशरफी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, लेकिन जानकारी के मुताबिक इससे पहले हैदराबाद पहुंची NIA की टीम ने अशरफी के घर की भी तलाशी ली। कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA और SIT की टीम की जांच में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के तार विदेशों के बाद अब देश के भी कई शहरों से जुड़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम पाकिस्तान के कराची का सामने आया था,
जहां आतंकियों ने जिहाद की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद सऊदी अरब, नेपाल, उत्तर प्रदेश के कानपुर, हैदराबाद और अब बिहार के भागलपुर का नाम भी आतंकवादियों से जुड़ रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। देश में फैल रही आतंकवादी व खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्था एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष वीरेश सांडिले ने आज रोहतक के SP उदय सिंह मीणा से मुलाकात की और उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि SP उदय सिंह मीणा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीरेश सांडिले ने बताया कि वह हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि SP उदय सिंह मीणा को आज ज्ञापन सौंपा गया है और प्रदेश के सभी SPO को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद वह प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को भी ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे आश्वासन लेंगे कि वह ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। यमुनानगर के थाना जगाधरी क्षेत्र के अंतर्गत सुखमनी रिजॉर्ट के पास एक 4 दिन की नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। यह बच्ची उस समय मिली जब एक महिला शौच के लिए उस खंडरनुमा मकान में गई तो बच्ची की आवाज सुनी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब महिला पास पहुंची तो एक बच्ची खंडर में पड़ी हुई थी और रो रही थी। बच्ची के ऊपर चींटियां चढ़ी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने 112 नंबर पर डायल किया और पुलिस को बुलाया, जिसके बाद बाल संरक्षण टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को लिया और हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। बच्ची की हालत को नाजुक देखकर उसे यमुनानगर के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां पर बच्ची का इलाज डॉक्टरों की टीम की देखरेख में चल रहा है। पुलिस द्वारा अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। बिजली निगम के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने गेट मीटिंग करके विरोध जता रहे थे। अब बिजली निगम के जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनको समान एरिया दिया जाए और एक वाहन की व्यवस्था की जाए ताकि जो भी सामान वो बाहर लेकर जाते हैं वो उसमें वाहन में रखा जाए, वहीं वाहन के लिए ड्राइवर भी नियुक्त किया जाए। और कर्मचारियों की ये भी मांग है कि जो बिजली निगम के कर्मचारियों के लिए रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए हैं वो कंडम घोषित हो चुके हैं, उनको दोबारा से बना जाए। कर्मचारी इन्हीं मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम धरना जारी रखेंगे।